दादी परेशान मत होना, दादा आपके ही सामने। क्या आपको भी आना है? आपको भी? मम्मी का ध्यान कौन देगा फिर? रुद्दू। मैं भले ही 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन देवांशी की बहुत याद आने वाली है। क्या हुआ? इसको पता चल गया है ना, और मैंने ना अपनी टी शर्ट पे सबका नाम लिख दिया है। देखो, कैप्टन, राशि, रुद्दू और अंदर देवांशी है। देवांशी, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज मुझे एक टॉफी दे दो। मैं नहीं तो आपको आइसक्रीम नहीं दूंगा। अभी रुको, मम्मी चाय बाजे। देवांशी रुद्रांश को बोल रही है कि रुद्रांश अभी रुको, मम्मी चाय बना रही है, उसके बाद आपको टॉफी मिलेगी। दोस्तों, अभी हमको बहुत ही शॉकिंग एक न्यूज़ मिली है, मैं आपको कैसे बताऊं। हमारा ना ट्रैवलिंग का प्लान बना था हम सबका, कि हम लोग कौसानी जाएंगे, उत्तराखंड, बहुत ही प्यारी जगह है, और आप लोगों को सरप्राइज़ देंगे। वहाँ पर हम किसी को स्पेशली मिलने भी जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सरप्राइज़ थी। लेकिन आज वही चीज़ हो गई ना, कि कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो जिससे हम मिलने जा रहे हैं ना, उनका नाम है दीपक जोशी, आप में से कई लोग जानते होंगे, और उनका गांव ना ऑलरेडी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। तो अभी दीपक का मुझे फ़ोन आया था कि उसके पापा एक्सपायर हो चुके हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम है ना क्या बोलते। सो दीपक मुझे बड़े भाई की तरह मानता है, हमारी पिछले 2 साल से बात होती है, और उसकी मॉम जो है हमसे कनेक्टेड है, उसकी फैमिली हमसे कनेक्टेड है, और वो हर दिन मुझे कॉल करता, ऑलमोस्ट हर दिन मुझे कॉल करता है। हम बात करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं, मैं उसको उसके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है उसको रास्ता दिखाता हूँ एक बड़े भाई की तरह। तो अभी समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या मुझे जाना चाहिए, तो मेरे दिल ने कहा है कि बिल्कुल आज मुझे उसके गांव जाना चाहिए, और मैं रुद्रांश को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मुझे अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे बिना फैमिली के अब मेरे को तो मतलब पता नहीं मैं कैसे रह पाऊँगा। हाँ। तो मैं रुद्र को लेके जा रहा हूँ, और अगर हम दुख में काम नहीं आएंगे, दुख में साथ नहीं देंगे, तो वो रिश्ता ही क्या, फिर उसकी वैल्यू ही नहीं है फिर। बिल्कुल। और हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, तो कई लोगों को ऐसा लगेगा कि कॉन्टेंट के लिए जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं खुद ही उत्तराखंड से हूँ, मुझे अगर जाना हो तो मैं अपने गांव जा सकता हूँ, कहीं और जा सकता हूँ, तो प्लीज़ कोई भी अगर ऐसा समझेगा ना, तो वो हमारे लिए बहुत ही हर्टफुल होगा। सो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि कैसे ये सब हुआ, और उसके पापा के बारे में आपको बताऊँगा। खुशियों में तो हर कोई दोस्तों के साथ रहता है, लेकिन असली दोस्ती वही होती है जो दुख में भी काम आए और दुख में साथ दे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वहाँ पे, और थोड़ा उसको भी हिम्मत मिलेगी। हाँ, और मैं समझाऊंगा, और उसको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसके पापा ने सपने देख रखे हैं, मैं उसको हिम्मत दूंगा, बहुत हिम्मत देने वाला हूँ मैं दीपक को। सो अगर मैं दीपक के पापा जी के बारे में बताऊँ, तो मैं ना आपको वहीं पर बताता हूँ, है ना। तो चले रुदू, चल। मम्मी अपना ख्याल रखना, सही से खाना खाना। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना और अच्छे से खाना वाना खाना, ठीक है। आपको वहाँ पे जितने भी दादा दादी मिलेंगे ना, उनको प्रणाम बोलना है और पैर छूने सबके, ठीक है। अच्छा बच्चा मेरा। कैप्टन पता नहीं क्या तोड़ फोड़ मचाने जा रहा है, अब मैं नहीं रहूंगा घर पे, तो हाथ पकड़ो। बाय तो कर दे पापा। अच्छा हम भी जाएंगे, हम पिज्जा खाएंगे, चिज्जा खाएंगे। ख्याल रखना ना, हाँ ख्याल रखना बाबू। कैप्टन हमारी ये वाली बस है, पहले हम लोग हल्द्वानी जाएंगे, है ना पापा? हम यहाँ पे पहले भी आए ना। हाँ, हम गाँव जा रहे थे। हाँ, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ एक जैसी लग रही है, तो मैंने फोटो खींच ली। हम लोग गजरोला एक जगह है, वहाँ पर पहुँच गए हैं, और रुद्रांश कह रहा है कि वो दाल मखनी खाएगा। लेट जाएंगे,
हम लोग अभी नैनवाल रेस्टोरेंट के पास हैं, ये जगह है, और रुदू ने यहाँ पर सुसु कर दिया है, मैं भी जा रहा हूँ अभी। भैया ने थोड़ी देर के लिए रोक रखी है। भैया तो ये ब्रेकफास्ट करने के लिए कहाँ रुकोगे आप? हम सीधे अल्मोड़ा ही रुकेंगे। अल्मोड़ा मैं वॉशरूम करके आ रहा हूँ, बस यहीं पर। हम लोग हल्द्वानी से ना डायरेक्ट कौसानी जा रहे हैं बस में। दोस्तों अभी हम अल्मोड़ा में हैं, नाश्ता कर रहे हैं। बाहर ना बारिश हो रही है, इसीलिए हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आधे घंटे के लिए बस रुक रखी है यहाँ पर। पापा खा रहे पराठा और मैं खा रहा हूँ पकौड़े। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। और दीदी की स्माइल कैसी है? बोलो तो जकाश, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। पापा गर्मियों में अल्मोड़ा घूमने आएंगे। ठीक है। अच्छा मौसम हो रखा है। दोस्तों हम लोग कौसानी में पहुंच चुके हैं और अभी जिस गांव में जा रहे हैं ना वो है टोटा सिलिंग। हाँ। तो ये जो है ना ये जिस एरिया में हम है ये टोटा सिलिंग गांव है। तो चले चलो। बारिश हो रही है और ठंड भी लग रही है। रुद्दू ने तो पूरा आराम कर लिया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्यारा सा ढाबा है भाई का। ये भाई क्या बना रहे हो अभी? समोसों की तैयारी। समोसों की तैयारी, जोर से बोलो ना। समोसों की तैयारी हो रही है। हाँ समोसों की तैयारी हो रही है। और गांव बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है ना। हाँ दोस्तों यह है टोटा सिलिंग गांव जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है ना। बैठ जाओ बैठ जाओ। आग चला रही है ना। हमारा गांव भी दिख रहा है यहाँ से। अभी देखो आग जला रहे हैं सबके लिए ना। ठंड है। अभी तो मैं पेड़ भी लाऊंगा पेड़। अच्छा अच्छा। रुदू अभी गांव की दादी और चाची ताई लोगों के साथ खूब समय बिता रहा है। दोस्तों बारिश बंद हो गई, इसीलिए मैंने पापा को बोला पापा थोड़ा घूमने चलते हैं। और मैं दीपक चाचू और उसकी फैमिली से भी मिल चुका हूँ। हमने लंच भी कर लिया है। हाँ। सब बढ़िया है। तो आपको मैं अपडेट दूंगा कि क्या हो रहा है अभी आगे। अभी काफी लोग गांव के ना मिलने के लिए आ रखे हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में डरते दिल के। देखते हैं कि आसपास फ्रूट्स मिलते हैं तो वो ले जाते हैं। हाँ। क्योंकि ना मिठाई नहीं ले जा सकते हैं ऐसे मौके पे। तो मैं तो पूरा खा जाऊंगा। एक सेकंड आ जाओ। भैया एक दर्जन केले। हाँ। एक दर्जन केले और एक किलो अंगूर। एक किलो अंगूर। हाँ ये काले वाले। अमित एक कुरकुरा फाड़ देना यार यहाँ से। पापा ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। खा लो एक। मेरे लिए कुछ ले लो प्लीज। पापा मेरे लिए भी ले लो प्लीज। क्या? मेरे लिए एक ये लेना और एक ये ले लेना।
बहुत अच्छा लग रहा है हमारी YouTube फैमिली मेंबर से मिलकर के। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छा, आप लोग मिलकर के आ गए हो ना? सबके साथ मिलके आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब से मिलकर के, हमारी YouTube फैमिली मेंबर और आप सब मिलकर के आ गए हो ना दीपक की फैमिली से। दोस्तों मुझे ऐसी बारिश और ऐसी रोड बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने पापा को बोला पापा घूमने चलते हैं, और मेरे हाथों से नाला भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि पापा नहीं लगा रहे। ऐसा क्यों? नहीं दोस्तों, आप देख सकते हो कि गांव के सभी लोग ना दीपक और दीपक की फैमिली से मिलने के लिए आ रखे हैं, और हर आधे घंटे में कोई ना कोई आ जाता है। तो गांव का ऐसा प्यार देख करके, साथ देख करके ना बहुत अच्छा लगता है। बोल नहीं सकते, लेकिन खुश हो जाते। कोई अगर आए घर के अंदर इतने खुश हो जाते, उन्हीं के बगल में बैठने के लिए जाएंगे बार बार। दोस्तों अभी मैं आंटी जी से बात कर रहा हूँ, दीपक की मम्मी जी से, और बातों बातों में हम इमोशनल हो गए थे। आंटी जी मुझे अपना बेटा जैसा मानती है, और आंटी जी कह रही थी कि एक दिन पहले अंकल जी स्माइल कर रहे थे, वो बहुत खुश हो रखे थे, उनको पता था मैं भी आ रहा हूँ। तो अरे रुदू अरे रुदू बैठ तो जा, बैठ जा। दादी परेशान मत होना, दादा आपके ही सामने। बहुत अच्छा बोलता है वो, उसको दादी दादा बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों आज है नया दिन, और मैं दीपक और दीपक की फैमिली से आपको मिलाता हूँ। दीपक यहाँ पर बैठ रखा है, और यह है दीपक की मम्मी जी, आंटी जी, और ये ताई जी है, ये सिस्टर है। तो बिल्कुल नया दिन है आज, और मैं अपनी बातों से आपको कुछ कहना चाहता हूँ अपने थ्रू। तो दीपक को 10 से 11 दिन तक यहाँ पर रहना है, अपना फर्ज निभाना है, और अपने आप ये सारे काम करेगा, जैसे कपड़े धोने हैं, खाना है, सब कुछ। दोस्तों आप देख सकते हो कि सभी लोग आपको बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे होंगे, और ये इसीलिए क्योंकि अंकल जी, दीपक के पापा जी, सबको स्ट्रांग करके गए हैं। और आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ अपने थ्रू, और सभी ये मानते हैं। तो दीपक के पापा जी को 10 से 12 साल तक उनकी पूरी बॉडी जो थी पैरालाइज थी, उनके पैर हाथ काम नहीं करते थे, वो सिर्फ खाना खा पाते थे। तो उनके लिए ना घर पे किसी ना किसी का सदस्य का होना बहुत ज़रूरी था। तो दीपक की मम्मी जी ने, बहनों ने, दीपक ने, सब ने अंकल जी की खूब सेवा करी है, लेकिन फिर भी वो अपनी दर्द में थे बॉडी से। तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूरी फैमिली को स्ट्रांग करके गए हैं, और सभी का मानना है, पूरे गांव का मानना है, और आंटी जी का मानना है, दीपक का मानना है, सिस्टर का, ताई का, सबका मानना है कि उनको, अंकल जी को उनकी शरीर से फ्रीडम मिला है। मतलब उनकी जो बॉडी थी ना, जो उनको पेन दे रही थी, उससे वो फ्री हुए हैं। सो इसीलिए आप देख सकते हो सभी बहुत स्ट्रांग है। आई होप कि मैं अपनी बातों से आप लोगों को कन्वे कर पा रहा हूँगा, और तभी हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। दुख सभी को है, और मैं उस दुख को ना बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई नहीं होता हूँ। तो आप देख सकते हो सारे यहाँ पर, आप बोल सकते हो, मम्मी बोल सकती है, रो मैं, कोई बात नहीं, इमोशनल बनते हैं, बोलो। एक दिन पहले आप बता रहे थे ना कि एक दिन पहले जिस दिन इसने मोमोज बनाए थे, कुछ उन्होंने खाया था आई थिंक, हाँ, कुछ वो लास्ट वीडियो था। क्या वो ऐसे ठहरे, रोज की जैसे ठहरे, या कभी कुछ ज्यादा होता, कभी कुछ कम होता, तो हमें कोई वो होता, लेकिन एक जैसे ठहरे, 12 साल से एक ही जैसे ठहरे, एक जैसे। तो उस दिन हमने, इसने लास्ट वीडियो बनी उनकी भी हमारे साथ, हाँ। तो मोमोज भी खाए अपन, मोमोज खाए थे, मोमोज खाए थे हमारे साथ। और मतलब की है ना, जब भी मतलब मैं पापा को ना कैमरे के सामने लेके आता हूँ, तो वो ना बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे साथ हमारी मेरी वीडियोस बना रहे हैं, और हम उनको टीवी पे दिखाते थे। तो मतलब मेरा मोटिव मेन यही था व्लॉग्स का, कि मतलब जैसे अभी वो हमारे साथ नहीं है, तो हम लोग ना देख सकते हैं अपने पास्ट में कि हम लोगों ने कितना एंजॉय किया साथ में, कैसे हम लोग थे। तो ना मैं सिर्फ इसीलिए बनाता हूँ वीडियोस की, मतलब
मैं खुद को पास में देख सकूं। और तुम्हें बनाने हैं वीडियोस अभी पापा के लिए बनाने हैं, बहुत सारे बनाने हैं, और इसीलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। आपने देखा था पापा स्माइल, ये मोमोज वाले, उसमें आप थे घर पे? नहीं, तो दीपक की सिस्टर है और उनको भी बहुत, वो भी चाहते हैं कि दीपक आगे बढ़े और दीपक अब खूब मेहनत करे। दोस्तों एक बात और बतानी थी, दीपक भी ब्लॉग्स बनाता है और उसके लिए ये सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि पापा की पूरी बॉडी काम नहीं करती थी तो उनके लिए कोई ना कोई सदस्य घर पे रहना जरूरी था। सो घर पे सिर्फ मॉम और दीपक हैं, तो किसी न किसी को घर पे रहना बहुत जरूरी रहता था पापा के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि दीपक अपने ब्लॉग्स के थ्रू अब आप लोगों से कनेक्ट रहे और पापा का नाम रोशन करे, ठीक है? क्योंकि वो बहुत, दीपक के पापा चाहते थे कि वो बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाए, तो इसीलिए मैं यहाँ आ रखा हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी बातों को रखूँ, लेकिन गांव की अच्छी-अच्छी चीजें, हाँ, अपने अपने गांव की, और ताई जी भी चाहती है, मम्मी भी चाहते हैं, क्योंकि अभी ऐसा था ना कि दीपक कहीं जा नहीं पाता था, जैसे ट्रैवलिंग हो गया या पापा जी को देखने के लिए ना कोई चाहिए था, कभी सिस्टर आ जाती थी देखने के लिए, बट वो उनकी शादी हो रखी है तो वो हमेशा नहीं आ सकते हैं। मम्मी जी को भी घर पे रहना पड़ता था उनके लिए, या कभी दीपक को। सो ऐसे ना काफी वो बंधन में थे एक। सो पापा जी ने, अंकल जी ने ना उस बंधन से निकाला है सबको, अपने आप को भी, है ना? हाँ, तो भी अपना भी, हाँ, उनको मुक्ति मिली है, शांति मिली है। और दुख का तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, जो दुख हो रहा होगा सबको, सिस्टर को, मुक्ति दे बस, हाँ, हमारी यही दुआ है। और आप सब ब्लेसिंग्स देना दीपक को और पूरी फैमिली को, कि वो सब बहुत स्ट्रांग रहे, अभी भी स्ट्रांग है और हमेशा स्ट्रांग रहे। आप वो बोल देते ना, और मैं इसके चैनल का नाम ना आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। और आंटी जी तो चाहती है कि दीपक के ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा चले, बहुत सपोर्ट करते हैं। अंकल जी भी सपोर्ट करते थे, वो चाहे बोल नहीं पाते थे लेकिन वो अपनी स्माइल से, अपने एक्सप्रेशन से, है ना, वो चीजें बताते थे कि वो कितना सपोर्ट करते हैं, खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। और जस्ट एक दिन पहले, उनके जाने से एक दिन पहले, इन्होंने सबने मोमोज बनाए थे, उन्होंने वो खाए भी थे, उनको बहुत अच्छे लगे थे। सो मैं आपको उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखना। बाकी भाई लोग तो चले गए सब, चार भाई थे, चार में से आज चौथे का भी अंत हो गया। हम मतलब रोज हाथ में है, दुरानी चलियो, यही है बाकी हमारी सब, उनको मुक्ति मिले और ये बच्चों का, जो बच्चे हमारा, इनका आगे को खूब अच्छा हो सबका, अच्छा, बस यही हमारी वो है, उनको भी मुक्ति मिले। और आप ये मानते हो कि उनको अपने उनको उस शरीर से मुक्ति मिल गई वो? और कितने साल से उनका शरीर काम नहीं कर रहा था? 12 साल से, दस बारह साल से काम नहीं कर रहा। मतलब पापा जी, मतलब उनके लिए चलना ही मुश्किल था? चल ही नहीं पाते, धीरे धीरे जाते थे, रोते थे, जब जैसे हम घर में आते कुछ बोल पाते नहीं थे, रोते थे बस, हो गया, उतना ही देखते थे हम उनको, बाकी देख भी नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे ना, वो बोलना तो चाहते थे वो, लेकिन बोल नहीं पाते थे, बस रोते रहते थे। आप सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी ना, सब जगह पैसा लगाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, जितना हो सकता था, जितना हमारे पास था, जितना हो सकता सब कुछ करा, लेकिन कुछ चीजें नहीं हो पाती ठीक। बस आपको स्ट्रांग रहना है, ठीक है ना? जब दीपक ब्लॉग बनाता था, दीपक के पापा को बहुत अच्छा लगता था, जब मैं पहले ब्लॉग बनाता था, दूसरे दिन डालता था, तो टीवी में देखते थे वो ब्लॉग, तो मैं कह रही हूँ अभी इसी तरह अपने पापा की, एक वो थी मेरे पापा की, कि मेरा बेटा भी कहीं नाम हो करे। मुझे एक चीज अच्छी लगी कि गांव के सभी लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, और हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद कोई ना कोई आ रहा है, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि ऐसे मौके पे कोई भी अकेला नहीं छोड़ता है। हाँ, ये हमारे घर की रीति रिवाज है, एक मतलब दुख में सब कोई नहीं छोड़ता है, दुख में सब साथ देते हैं। हाँ, साथ देते हैं। कल तो आई थिंक 2-3 बजे तक सभी यहाँ पर लड़के लोग थे, और उससे पहले सभी दादी ताई, है ना, सभी लोग आ रखे थे, सब लोग आते हैं।